नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों, हम सभी लोग सीटेट के लिए इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं और इन्वायरमेंट में एक सेगमेंट आता है साइंस का, जिसमें प्लांट एनिमल यानी कि फौना और फ्लोरा तथा कुछ विशेष पौधों के बारे में, विशेष जंतुओं के बारे में, सजीव के बारे में, या जलवायु या फिर उष्मा प्रकाश, इन सभी के बारे में क्वेश्चन आता है। परिस्थितियां इस समय बहुत ही विपरीत हैं, आप सभी को पता है कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में आपका एग्जाम जो कंडक्ट है 5 जुलाई को, उसी की प्रिपरेशन के लिए आप सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान में आलोक सर और रवि सर के कुशल निर्देशन में सीटेट का बिल्कुल निःशुल्क बैच चल रहा है। यदि आप अभी तक बैच में नहीं जुड़ पाए हो तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। आप स्क्रॉल हो रहे नंबर पर संपर्क करेंगे और आपको निःशुल्क बैच बिल्कुल शीघ्र ही मिल जाएगी। तो जैसा कि आज हम शुरू करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्लांट, दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में। देखिए, होता क्या है, पौधों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी पौधा है या कोई भी पेड़ है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये पौधा है या ये वृक्ष है या ये शाक है। देखिए, विशेष कर क्या करते हैं, पौधों को हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे एक है शाक और एक होता है झाड़ी, दूसरा क्या होता है भाई, झाड़ी होता है, और तीसरा दोस्तों होता है इसी में जिसे हम कहते हैं वृक्ष। और इन सभी के अलावा जो खड़े होने में असमर्थ है, ठीक है ना, जो खड़े होने में असमर्थ है, उनको भी हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। जैसे दोस्तों, एक होता है आरोही लता, इसका मतलब यह है कि ऐसे पौधे जो किसी के किसी सहारे को पकड़ करके ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे पान और मनी प्लांट। तो एक होता है आरोही लता, दूसरा क्या होता है विसर्पी लता। यहां विसर्पी लता का मतलब क्या होता है, विसर्पी लता, देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सीधे रेंगते हैं इस तरह से, है ना, जो सीधे रेंगते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, ये चढ़ नहीं पाते, लेकिन ये जो पान और मनी प्लांट होता है ये सीधे सहारे को पकड़ के चढ़ता है ऊपर की ओर, इसको हम कहते हैं आरोही लता कहते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यहां पर आपको ये जानना है कि शाक, झाड़ी और तना में क्या अंतर। देखिए, जो शाक होता है उसमें जो उसका तना होता है अत्यंत मुलायम होता है और हरे रंग का होता है। शाक का तना हरे रंग का होता है, अत्यंत मुलायम होता है। वही जो झाड़ियां होती हैं, झाड़ियों के तने बहुत लंबे होते हैं और थोड़े कठोर रहते हैं, ठीक है ना। और झाड़ियों में क्या होता है दोस्तों, झाड़ियों में शाखाएं नहीं होती बल्कि तने से ही मुख्य पत्तियां निकल जाती हैं। जैसे गुलाब क्या है, गुलाब झाड़ी है, या फिर गुड़हल भी क्या है, झाड़ी है। अगर हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष का तना धूसर रंग का होता है या काले रंग का होता है, तना बहुत ही मजबूत और मोटा होता है, और वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं विकसित होती हैं और उन शाखाओं में टहनियां निकलती हैं, टहनियों से पत्तियों का, फलों का विकास होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से पौधों को हम इतने प्रकार में बांटते हैं। तो आज देखिए, हमें कुछ विशेष प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो फसलों को सिंचाई के लिए इंडिकेट कर देता है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसके तने में जल का संचय होता है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके तने से जड़ें निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछता है, जैसे भारतीय शाकीय डॉक्टर कौन सा प्लांट होता है, या फिर हमें साबूदाना किस प्लांट से मिलता है, कुनैन नामक औषधि किस प्लांट से मिलती है, हींग या रबर कौन कौन से प्लांट से मिलते हैं, या कत्था किस प्लांट से मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट यानी कि आपके एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो आज हम शुरू करने वाले कुछ महत्वपूर्ण पौधे, ठीक है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण पौधे पढ़ेंगे, यह जितना भी पॉइंट आप यहां पर पढ़ोगे सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, निश्चित ही इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं महत्वपूर्ण पौधे।
तो इंपॉर्टेंट प्लांट, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट है आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्लांट जो हम लोग लेने वाले हैं वह प्लांट दोस्तों है क्रोटन। आपने इस क्रोटन के बारे में पढ़ा होगा। देखिए पहला हमारा प्लांट क्या है, पहला प्लांट हमारा है क्रोटन, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, क्रोटन। तो क्रोटन कौन सा प्लांट है या इसे हम क्यों लगाते हैं, इसकी क्या क्या उपयोगिता होती है, ऐसे क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बन जाते हैं। दोस्तों ध्यान देना, जो क्रोटन का पौधा है जब फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है तो यह क्रोटन जो होता है वो फसलों को इंडिकेट करता है आखिर किस प्रकार से। देखिए इस क्रोटन को मुख्य फसल के साथ, यानी इस पौधे को मुख्य फसल के साथ लगाते हैं, और जैसे ही इस पौधे में पानी की कमी होती है, पानी की कमी होते ही इस पौधे की पक्षियां जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं, और तुरंत यह मालूम पड़ जाता है कि अब उस फसल को पानी की आवश्यकता है। और दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि यह वह फसल है जो बताता है कि फसलों को, यह वह पौधा है जो बताता है कि फसलों को पानी की आवश्यकता कब होगी, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फसलों को या फसलों की जलमांग, जलमांग को बताता है, यानी ऐसा पौधा है यह बताता है कि फसलों को पानी कब चाहिए, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, क्रोटन नाम इसका है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो कि क्रोटन का पौधा ऐसा पौधा होता है जो फसलों के जलमांग को बताता है। इसको हम मुख्य फसल के साथ उगा देते हैं और जैसे ही जरा सी पानी की कमी होती है तो यह तुरंत इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिससे यह मालूम पड़ जाता है कि इस फसल को पानी की आवश्यकता हो रही है। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला वृक्ष कौन सा है, अगला है पीपल। आपने सुना होगा ऐसा कौन सा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो हम बात करेंगे यहां पीपल की, तो पीपल से जितने टर्म्स बनते हैं हम सबकी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि यह बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल है, और पीपल को हम क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, और बहुत विशाल पौधा होता है और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। सबसे बड़ी विशेषता है 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है, और इसीलिए पीपल के नीचे हम रात में सो सकते हैं, दिक्कतें नहीं होंगी। और जो इसकी पत्तियां होती हैं, पत्तियां सदैव यानी हमेशा सदैव हिलती रहती हैं। जो पीपल की पत्तियां होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, हिलती रहती है। तो देखा पीपल के बारे में इतनी विशेषताएं हैं, बहुत विशाल वृक्ष होता है और इस वृक्ष को हम बोधि वृक्ष कहते हैं। पीपल को यहां आप देख सकते हो, इसकी पत्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी पीपल की, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं, और यह 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है और इसकी पत्तियां हमेशा क्या होती हैं, हिलती रहती हैं। तो एक क्रोटन था प्रमुख, और एक क्या दोस्तों, एक था आपका पीपल। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिल्कुल हम आगे बढ़ चुके हैं, आपके सामने दिख रहा बिल्कुल कि बरगद का पेड़ है। तो बरगद की क्या विशेषता होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। बनियान ट्री दोस्तों है बरगद। सबसे बड़ी बात यह है कि बरगद क्या है, यह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है दोस्तों। क्या है, यह राष्ट्रीय वृक्ष है। सबसे बड़ी बात यह है, आप देख सकते हो कि इस वृक्ष के जो तने होते हैं, मुख्य तना जो तने इसके वृक्ष के हैं, इन तनों से जड़ें निकलती हैं। इसकी विशेषताएं यही है कि वह कौन सा वृक्ष है जिसके तने से जड़ें निकलती हैं। तो बस हम कह सकते हैं इसके तने क्या निकलती, जड़ें निकलती हैं, और कौन जड़ें होती हैं, वो सभी अवस्तंभ जड़ें होती हैं, ठीक है ना। तो तने से अस्तंभ जड़ों का विकास, अस्तंभ जड़ों का विकास, इसके तने से क्या होता है, अस्तंभ जड़ों का विकास होता है।
जड़े तने से निकल करके सीधे मिट्टी में प्रवेश करती हैं। भोजन संग्रह एवं जल ग्रहण के कारण ये जड़े मोटी और मजबूत हो करके इस विशाल पौधे को, इस भारी पौधे को गिरने से रोकती है। ठीक है तो दोस्तों, ये बरगद हो गया। फिर देखिए इसी क्रम में क्या है, अगला जो प्लांट है वह है केला। आपको पता होगा केला, तो सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, जो केला होता है इसमें प्रजनन की क्रिया नहीं होती, प्रजनन नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, फिर देखिए केला कोई पौधा या वृक्ष नहीं है, बल्कि ये क्या है, शाक है। केला शाक होता है, इसका चाहे मुख्य तना हो या इसकी पत्तियां हो, ये इत्यादि सब बहुत कमजोर होते हैं। इसको बताने का केवल एक ही मतलब है कि यह शाक में आता है या वृक्ष या झाड़ी में नहीं आता, इसको हम शामिल करते हैं शाक में। क्लियर, चलिए तो इतना आपने देखा, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वृक्ष है, वेरी गुड दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहां पर एक स्पेशल प्लांट लिया हुआ है और इस प्लांट का कई सारा नाम है। जैसे इसको हम घटपर्णी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, घटपर्णी, या इसे हम कहते हैं पिचर प्लांट, इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं, और इस पिचर प्लांट को नेपेंथस भी कहते हैं, यानी इसको हम नेपेंथस भी कहते हैं। ये सभी इसके नाम हैं। पहले आप इसको ध्यान से देखिए, ये किस प्रकार का पौधा है। देखिए ये पत्ती वाला भाग है, इसको फल मत समझना या फूल मत समझना, ये नेपेंथस पौधे की पत्तियां हैं। देखिए जो इसकी पत्तियां होती हैं वो किस आकार में है, घड़े के आकार में है। तो पत्तियां कैसी हैं, पत्तियां जो इसकी होती हैं, पत्तियों का आकार कैसा है, घड़े जैसा, घड़े जैसा, यानी घट मतलब घड़ा और पर्णी मतलब पत्तियां। पत्तियां कैसे हैं, घड़े के आकार की है। और क्वेश्चन यही पूछता है कि यह कैसा पौधा है, तो दोस्तों ध्यान देना यह कीट भक्षी पौधा है। यह क्या है, कीट भक्षी पौधा। कैसे बता रहे हैं अभी आपका, आप सभी को देखिए, जैसे ही कोई पक्षी, कोई मेंढक, कोई कीड़ा मकोड़ा आके इसके किनारे पर बैठेगा, तो यहां पर इतनी फिसलहन होती है कि वह कीट पक्षी या मेंढक फिसल करके इस घट के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही कोई कीट इसके अंदर जाएगा, यहां जो पत्ती का ढक्कन दिख रहा है आपको, ये ढक्कन क्या होता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है। और जब ढक्कन बंद हो जाएगा तो ये पत्तियां क्या करती है, उस कीट से नाइट्रोजन चूसती हैं और उसको चूसने के बाद उसी में समाप्त कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, कीटों से क्या प्राप्त करता है ये, तो कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करता है, नाइट्रोजन लेता है। और ये होता कहां पर है, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में, की कमी वाली मिट्टी में यह होता है। तो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में यह पाया जाता है और यह कीटों को चूस करके उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करता है दोस्तों। और ध्यान देना, यह पौधा मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि दिया हुआ पौधा ऑस्ट्रेलिया, मेघालय और इंडोनेशिया में होता है, उसकी पत्तियां घट के रूप में बदल जाती हैं और उस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसे वह पूरा करने के लिए कीटों को पकड़ता है, उस पौधे का नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, बहुत लंबा प्रश्न आता है, आपको पता होगा सीटेट के एग्जाम में बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को जितनी अधिक बार पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षण हर विषय में 15 क्वेश्चन आता है, शिक्षण, पेडागॉजी, और ध्यान रहे यहां पर आपको प्रत्येक
अध्यापक संबंधित आपको पेडागॉजी पढ़ाएंगे, तो निश्चिंत रहिए आप लोग। 75 क्वेश्चन 150 में से 50% केवल पेडागॉजी ही पूछता है, तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस पर। तो दोस्तों ये नेपेंथस है, आपने देख लिया ये कहां होता है, जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्लांट हमारा कौन सा है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्लांट है ऑस्ट्रेलियन ओक, या इसको हम कहते हैं रेगिस्तानी ओक। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेगिस्तानी ओक, या इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओक। तो इसके दोनों नाम हैं, आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक मात्रा में क्या है, डेजर्ट है, तदामी मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, ये आपने सुना होगा। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक मात्रा में क्या है, मरुस्थल है, और वहां के मरुस्थलों में एक विशेष प्रकार का प्लांट होता है जिसको हम रेगिस्तानी ओक या ऑस्ट्रेलियन ओक कहते हैं। दोस्तों एक्चुअली में जो इसकी जड़ें होती हैं, वो जो उसका तना होता है, तना पानी में चला जाता है, और इसी कारण इसके तने में जल का संचय होता है। ठीक है ना, तने में क्या होता है, इसके तने में जल का संचय होता है, और जब भी कभी तो हम कहेंगे तने में जल का संचय होता है, तने में क्या होता है, तने में जल का संचय संचय होता है, और जब कभी भी इन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तो यहां निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं इसके तने में पाइप डाल करके उससे पानी निकाल लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, तो ध्यान देना, जो ऑस्ट्रेलियन ओक का प्लांट होता है वह है, जो उसका तना होता है वो जल में धंसा होता है, इसीलिए तने में जल का संग्रह होता है। जब भी कभी यहाँ के निवासियों को पानी की कमी होती है तो यहाँ के निवासी इसके तने में पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं और दोस्तों पानी पी लेते हैं, ठीक है ना, तो यही ऑस्ट्रेलियन ओक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे भी एक महत्वपूर्ण प्लांट आपके लिए मैं लाया हूं जिसका नाम है खेजड़ी। जी हाँ दोस्तों, यह खेजड़ी जो है रेगिस्तान में होता है, बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। देखिए जैसे इसको हम कहते हैं खेजड़ी, तो ये खेजड़ी का प्लांट है और ये कहां होता है, रेगिस्तान में होता है। इसकी सभी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो ये होता कहां है, तो ये रेगिस्तान में होने वाला पौधा है, ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी लकड़ी होती है, इसकी लकड़ी में कीड़े कभी नहीं लगते, कभी भी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। और देखिए इसकी क्या विशेषता, इसकी विशेषता यह है जो इसकी फलियां होती हैं, जो इसका फल होता है, इसकी फलियों से क्या बनती है, सब्जियां बनती है। तो दोस्तों यह अभी हम कह सकते हैं कि इनकी फलियों से सब्जी बनती है, यह भी कह सकते हैं। और देखिए जो इसकी छाल होती है, जो इसकी हस्क होती है, इसकी छाल से क्या होता है, औषधि बनती है। छाल से औषधि बनती है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं। प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से वह कौन सा रेगिस्तानी पौधा है जिसकी फलियों से सब्जियां बनती है और छाल से औषधि बनती है और उसकी लकड़ी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह एक खेजड़ी का प्लांट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस पॉइंट्स को भी देख सकते हो दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्लांट कौन सा है। चलिए जी हाँ, यहां देखिए तीन प्लांट आपके सामने लिया गया है। जो पहला है वो क्या है, नागफनी कैक्टस, दूसरा है तुलसी, और तीसरा क्या दोस्तों, मेंथा है। इसको हम कहते हैं मिंट, मेंथा कहते हैं, या इसको पुदीना कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप देख रहे हो नागफनी, तो नागफनी को हम कैक्टस कहते हैं। देखिए नागफनी, नाग के फन की तरह पत्तियां होती हैं कैक्टस की। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, जो कैक्टस होता है
वह मरुस्थलीय पौधा है। कहां होता है? यह मरुस्थलों में होता है। तो यह मरुस्थलीय पौधा है, जीरोफाइट है, और सबसे बड़ी बात यह जो इसकी जड़ें होती हैं, इसकी जड़ें जल की खोज में बहुत गहराई में चली जाती है। जो जड़ें होती हैं नागफनी की, जल की खोज में बहुत गहराई में चली जाती हैं, और इस नागफनी की पत्ती में जल और भोजन का संचय रहता है। जो इसके कांटे होते हैं ये इसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। तो देख लिया आपने, ये नागफनी है। क्वेश्चन पूछता है कि नागफनी की जड़ें बहुत लंबी क्यों होती हैं? तो जल की खोज में नागफनी की जड़ें बहुत गहराई में प्रवेश कर जाती हैं। यह रही नागफनी की बात, और ध्यान देना जो उसकी पत्ती है उसमें कांटे होते हैं। क्वेश्चन बन जाए ऐसी कौन सी पत्ती जिसमें कांटे होते हैं, तो आप बताओगे नागफनी की पत्तियों में कांटे पाए जाते हैं। फिर भाई क्या है? तुलसी है। तुलसी को हम भारतीय साकी डॉक्टर कहते हैं दोस्तों, तुलसी, ठीक है ना। तो तुलसी को हम क्या कहते हैं? तुलसी को हम कहते हैं भारतीय साकी डॉक्टर। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय साकीय डॉक्टर किसे कहते हैं? तो हम तुलसी को कहते हैं। और आपको याद रहे कि तुलसी का ऐसा, तुलसी की पत्तियां ये कफ हो, खांसी हो, बुखार हो, इन सभी में औषधि के रूप में काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आवाज होती है उसको सही करने के लिए तुलसी के पत्तों को भी खा सकते हैं। तो दोस्तों ये तुलसी है, इसको भारतीय साकी डॉक्टर कहते हैं। आगे देखिए मेंथा है। आगे क्या है? मेंथा है। और मेंथा जो होता है इसके द्वारा पेट के विकारों को ठीक किया जाता है। गैस है, बदहजमी है, ऐसी कोई समस्याएं अगर उत्पन्न होती हैं तो मेंथा के जो पत्तियां होती हैं इनकी पत्तियों से जो है वह रोग ठीक हो सकता है, ठीक है ना। यह मेंथा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां दोस्तों आप पॉइंट देख सकते हो, यहां जो ये आप देख रहे हो ये सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है ना। ये क्या है? सबसे बड़ा पुष्प है। और सबसे बड़ा पुष्प किस चीज का होता है? आपको पता होगा कि सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया का। तो जी हाँ, ये रेफ्लेसिया ही है। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रेफ्लेसिया का होता है। यहां आपके सामने रेफ्लेसिया दिख रहा होगा। फिर देखिए ये वाला सबसे बड़ा फल। तो सबसे बड़ा फल किस पौधे का होता है? यह 16 किलोग्राम का होता है, जिसका नाम है लोडोसिया। तो लोडोसिया का फल सबसे बड़ा होता है। फिर यहां देखें आप, एक और आपके सामने चित्र यहां दिख रहा होगा। दरअसल यह पत्ती है, सबसे बड़ी पत्ती है, यह सबसे बड़ी पत्ती है। और सबसे बड़ी पत्ती किस चीज की होती है? यह है विक्टोरिया रिजिया की। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है विक्टोरिया रिजिया, जिसकी पत्ती सबसे बड़ी पत्ती होती है, विक्टोरिया रिजिया की पत्ती। यहां पर आप देख रहे हो नीम। भाई इससे तो सभी वाकिफ होंगे दोस्तों, नीम, जो नीम का वृक्ष होता है यह हमारे लिए सबसे बड़ा एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक्स, इन सभी का कार्य करता है। हम सबको पता है कि नीम की पत्तियों में एंटीबायोटिक जो क्षमता होती है, यानी कि जीवाणुरोधी क्षमता इसकी पत्तियों में पाई जाती है। और नीम, जो नीम होता है इसकी टहनियों को लोग मिसवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे दांत बहुत ही मजबूत रहता है। फिर देखिए दोस्तों यहां पर यह क्या है? सिकोया है। सिकोया की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अनावृत बीजी जो पौधा होता है, सॉरी वृक्ष होता है, वही है सिकोया है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अनावृतबीजी, अनावृतबीजी क्या होता है? सिकोया होता है। कैलिफोर्निया यूएसए में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो सिकोया क्या होता है? सबसे बड़ा अनावृतबीजी होता है। फिर अगर बात करें यहां पर, तो कुछ प्लांट्स और आपको और दिख रहे होंगे। जैसे यहां पर देखिए ये वुल्फिया है। हमको पता है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? सॉरी दोस्तों वुल्फिया नहीं है, हाँ बिल्कुल वुल्फिया ही है। तो वुल्फिया, वुल्फिया और वुल्फिया के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? वुल्फिया का होता है। सबसे
छोटा छोटा पुष्प। ये वुल्फिया का पुष्प सबसे छोटा होता है। और यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देना होगा यूकेलिप्टस के बारे में। यूकेलिप्टस को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी आतंकवादी कहते हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस अर्थात सफेदा ये वृक्ष जहां भी होता है वहां प्रतिदिन पीने वाले जल की बहुत तेजी से हानि होती है। जैसे कि यह वृक्ष, ठीक है, यानी कि सफेदा का वृक्ष प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 लीटर पीने वाला पानी ये इस्तेमाल कर लेता है खुद की वृद्धि और विकास के लिए। और सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? आर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज आर्किड का, नोट कर लीजिए, ये सब सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप एक देख रहे हो वृक्ष है, ये किसका वृक्ष दोस्तों है? ये हीबिया का वृक्ष है। और हीबिया के वृक्ष से क्या मिलता है? रबर मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या मिल रहा है? रबर मिल रहा है। हीबिया के दूध यानी कि लेटेक्स से क्या मिलता है भाई? रबर मिलता है, इस बात का ध्यान देना। और यहां पर देखिए, यहां पर सिनकोना है, और सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से आपको पता है क्या मिलता है? कुनैन मिलता है। कुनैन क्या है? कुनैन मलेरिया रोधी दवा है। और यह कैसे मिलती है? यह मिलती है सिनकोना की छाल से, ठीक है ना। और बाकी हीबिया से क्या मिलता है? रबर मिलता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखिए, यहां पर एक पौधा और है, चीड़ है, पाइनस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। चीड़ यानी कि पाइनस है, तो चीड़ से क्या मिलता है? चीड़ है ऊपर वाला प्लांट, चीड़ से तारपीन का तेल मिलता है। और आप सभी को पता होगा तारपीन का तेल, तारपीन का तेल हमारे लिए स्नेहक भी होता है। स्नेहक का मतलब लुब्रिकेंट्स, जिसका प्रयोग हम लोग घर्षण बल को कम करने के लिए मशीनों में करते हैं। और तारपीन के तेल से कुछ कॉस्मेटिक्स बनते हैं, जैसे कि साबुन है, तेल है, ठीक है ना। ये सब कैसे बनते हैं? तारपीन के तेल से ही बनता है। और तारपीन का तेल कैसे मिलता है? चीड़ के फल से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां दोस्तों एक प्लांट और है, और इसका नाम है फेरुला। अगर हम बात करें फेरुला से, तो फेरुला क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, बस ध्यान देना। फेरुला पौधे की जड़, फेरुला पौधे की जड़ एवं तना से क्या मिलता है भाई? हींग प्राप्त होती है। ये बिल्कुल जैसे सौंफ का पौधा होता है, सौंफ की प्रजाति का एक पौधा है जिसका नाम क्या है? फेरुला। और इस फेरुला के जड़ से, तने से क्या मिलता है? हींग मिलती है। ध्यान देना, हींग प्रमुख मसाला है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे यहां पर खैर नामक पौधा है। अगर हम खैर की बात करें, तो खैर एक ऐसा पौधा है, खैर की छाल से क्या मिलता है? खैर की छाल से, खैर की छाल से कत्था मिलता है। आप सभी को यह पता होगा कि खैर की छाल से ही क्या मिलता है? कत्था मिलता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपने पौधों के बारे में देख लिए। कुछ आगे बढ़ते हैं, एक आध दो प्लांट जो छूटे हुए हैं मैं आपको इसी बताऊंगा उनके बारे में। जैसे दोस्तों आपने देख लिया यहां पर अफीम, अफीम कैसे मिलती है? देखिए, जो अफीम होती है, अफीम पोस्ता एक पौधा होता है, पोस्ता पौधे के अधपके फल से, पौधे के अधपके फल से अफीम प्राप्त होती है। आपको पता होगा पोस्ता क्या है? पोस्ता प्रमुख रूप से मसाले में उपयोग में लाया जाता है। तो पोस्ता के अधपके फल से क्या मिलता है? अफीम प्राप्त होती है। और अगर हम इसी में दोस्तों आगे बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि साबूदाना, साबूदाना कैसे मिलता है? साबूदाना जिसको हम कहते हैं शागोपाम, साइकस के फल से। साइकस एक अनावृतबीजी पौधा है, एक वृक्ष है। तो साइकस के वृक्ष से क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है साबूदाना, ठीक है ना। साइकल के सॉरी साइकस के वृक्ष से क्या मिलता है? साबूदाना प्राप्त होता है। कुछ विशेष पौधों के बारे में मैंने आप सभी को बताया। यहां पर देखिए, जैसे कभी भी अगर एग्जाम में पूछ दे आप सभी से कि जलोद्भिद क्या है, यानी कि हाइड्रोफाइट,
जलोद्भिद क्या है या शैलोद्भिद किसे कहते हैं, शैलोद्भिद किसे कहते हैं या लवणोद्भिद किसे कहते हैं, ठीक है ना। या दोस्तों ये अगर अगर ऐसे पॉइंट्स पूछते हैं ठीक है ना, तो मरुद्भिद, मरुद्भिद किसे कहते हैं ठीक है ना। अगर कभी भी ऐसे पॉइंट्स अगर आपकी परीक्षा में आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जलोद्भिद का मतलब जल में होने वाले पौधे, ऐसे पौधे जिनका जीवन चक्र कहाँ हो, जल में होता हो, उनको हम जलोद्भिद कहते हैं। जैसे कमल का पौधा या फिर जलकुंभी, ये सब क्या होते हैं, ये सभी जलोद्भिद होते हैं। फिर देखिए शैलोद्भिद दिया हुआ है अर्थात चट्टानी पौधे, ऐसे पौधे जो चट्टानों पर होते हैं, तो साइकस है, चीड़, देवदार, ये सभी क्या होते हैं, सभी चट्टानी पौधे हैं। या देखिए दिया हुआ लवणोद्भिद, ये क्या होता है, ध्यान देना, ऐसे पौधे जो लवणी मिट्टी में होते हैं उनको हम लवणोद्भिद कहते हैं। जैसे जैसे आप कह सकते हो सुंदरी का वृक्ष, ये कहां होता है, लवणी मिट्टी में होता है। फिर यहां लिखा हुआ है मरुद्भिद, यानी कि मरुस्थली पौधे, ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में होते हैं, जो मरुस्थल में होते हैं, उनको हम मरुस्थलीय पौधे कहते हैं। जैसे कि एलोवेरा, जैसे कि अगे, जैसे कि नागफनी, ये सभी क्या है, ये सभी मरुद्भिद हैं, मरुस्थलीय पौधे हैं ठीक है। कभी कभी पूछता है स्कलरोफाइट क्या होता है, तो ऐसे पौधे जो झाड़ीदार होते हैं उनको हम स्कलरोफाइट कहते हैं ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस लगातार परीक्षाओं में बने हुए हैं। आज आपने कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट देखे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्री देखा, और मुझे उम्मीद है कि यह क्लास जो है आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक दो प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं सीटेट में फिर से आपके सामने आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी का, जय हिंद। और ध्यान रहे निःशुल्क बैच में जुड़ना ना भूलें, स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी और आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से सभी का धन्यवाद।